आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। साउथ कोरिया में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में 109 लोगों ने तोड़ा दम। लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट, वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं थी ज्यादा भीड़। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 271, तमिलनाडु में सामने आए 34 केस। कल राहुल गांधी से मिल सकते हैं हरीश रावत, बात नहीं बनी तो उठा सकते हैं बड़ा कदम। आज बीएसपी के 18 मंडल कोऑर्डिनेटर और 75 जिला प्रभारियों की हुई अहम बैठक। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरुत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण पर बयान देते हुए कहा कि 17 जातियां जो आंदोलित हैं उनको पत्राचार के माध्यम से गुमराह करके भाजपा सरकार वोट लेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बलिया आने पर जो भाषण दिया था उन पर कटाक्ष किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि भाजपा पर हमला करते हुए क्या कुछ आरोप लगाए हैं राजभर ने। अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ आए थे, अभी उनके जिले में कलेक्ट्रेट में लोग साढ़ के पहुंचा दिए और यहाँ जो योगी जी का ललका साढ़ है वो किसानों का धान, इस समय किसानों का जो है अरकल मटर गेहूं आलू गोभी चल रहा है, ये शिवराज चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है। और तो मजे की बात कि सड़क पर 70% एक्सीडेंट इस समय योगी जी के ललका साढ़ से हो रहा है। ट्रामा सेंटर चले जाइए, आपको 70% मरीज साढ़ों से लड़के मिलेंगे। ये इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा देश में अगर पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, ये प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इस पे बात नहीं करेंगे। ये गरीबों का धोती खोल के गरीबों को कपार पे बांध रहे हैं। ये गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था उसको 1000 कर दिया, जो सरसों का तेल 50 रुपया किलो मिलता था उसको 200 पार कर दिया। दोनों का बढ़ा हुआ दाम जोड़ दीजिए तो फिर 750 अनाज दे रहे हैं 250 का लोगों को और ढिढोरा पीट रहे हैं गरीबों को। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भदरौली के एसआर पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवाने पहुंचे दंपत्ति के साथ सेल्समैन ने जमकर मारपीट की। सेल्समैन के पेट्रोल कम डालने पर युवक ने उसका विरोध किया था, जिसके बाद सेल्समैन ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पति को बचाने आई गर्भवती पत्नी को भी जमकर सेल्समैन ने पीटा, जिसकी शिकायत करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। साथ पेट्रोल पंप में मारपीट की गई है पेट्रोल कम डालने की वजह से। मैंने अंदर जाके बोला था मेरे पेट्रोल कम डाली है, तो फिर अंदर वालों ने भी मिलके और पेट्रोल पंप दोनों ने मिलके मेरे की मारपीट की। अगली खबर चंदौली से है, जहां कुछ किसानों का कहना है कि धान मानक के हिसाब से खरीदा जाता है, जो सरकारी रेट है उसी हिसाब से धान खरीदा जा रहा है। कुछ किसानों ने बबरी धान क्रय केंद्र पर गलत आरोप लगाए थे। वहीं गजेंद्र सिंह ने बताया कि धान समय से खरीदा गया है और समय से पैसे भी आ गए हैं। अपना नाम और पर्चे बताइए। राम जन्म पाठक, प्रभारी क्रय केंद्र प्रभारी बबुरी। अच्छा, ये बताइए कितने किसान मतलब आरोप लगा रहे हैं कि 5 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है क्रय केंद्र पर, इसके बारे में क्या कहना है? हमको किसी से एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, किसान है यहाँ उपस्थित, पूछ लीजिए। हाँ, तो क्या देख के मतलब ये सोच रहे हैं कि मतलब 5 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, इसके बारे में? आदमी आगे पीछे चाह रहा है लेकिन बेकर साथ सबका धान तैयार है तो हम तो ले नहीं पाएंगे। अच्छा, अब लेंगे तो सिस्टम से जो है आगे पीछे करके तो करेंगे नहीं, तो ले रहे हैं जिनका तैयार है ले रहे हैं,
अधिक से अधिक लोग का ले रहे, मतलब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत समय से लिया जा रहा सबको। अरे भैया 600-700 क्विंटल डेली ले रहे हैं, कितना ले छोटे किसान का बुधवार शुक्रवार को। अपना नाम बताइए। गजेंद्र प्रताप सिंह। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण जी, ग्राम जरखोर। आज आप बबूरी क्रय केंद्र पर आए हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? हम यहाँ कल अपने खरीद कराए थे दीपक सिंह के नाम से, अपने भाई के, हमसे 1 किलो न कटौती ली गई, हाँ। न कोई मांग की गई, हाँ। मानक के अनुसार खरीद हुई। अच्छा, हम लोग को धान बेचने। वही मामला फतेहपुर के सदर अस्पताल से सामने आ रहा है, जहां एक महिला के शव को परिजन किसान नेत्री के साथ स्ट्रेचर पर रखकर कलेक्ट्रेट परिसर डीएम से डॉक्टर की शिकायत करने लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में पुलिस ने सभी को रोककर शव को कब्जे में लेकर चले गए। इसी बीच किसान नेत्री के साथ पुलिस की झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए शव को खुद एम्बुलेंस गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल मर्चरी पहुंचाया। जहां पहुंचे मृतक के परिजनों को पुलिस निगरानी में शव के साथ उनके गांव भेज दिया गया है। इस दौरान किसान नेत्री प्रीति सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है और डॉक्टर की लापरवाही से महिला की जान चली गई है। प्रतापगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले रमेश यादव का सम्मान किया गया है। दरअसल लालगंज क्षेत्र में बने विजय बजारा रेस्टोरेंट में सम्मानित सभा का आयोजन किया गया। पीसीएस रमेश यादव का सम्मान किया गया, साथ ही साथ रमेश यादव ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में भी बताया। जिस तरह से, चूंकि जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता हासिल करने वाले इवन सिविलियन होते थे, उनका जब भी इंटरव्यू देखते और इस तरह की चीज़ें जब भी हमें समाज में क्षेत्र में देखने को मिलती, तो उनसे प्रेरणा लेकर के और हम भी कभी ये सपना पाल रखे थे और स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते गए। साथ ही हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे अभिभावक स्वरूप, जो भी मित्रगण रहे, इन सब का जी भरपूर सहयोग मिला और इन सब की बदौलत जी आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं हमारी सफलता में हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे अभिभावक स्वरूप, मित्रगण, हमारे आदरणीय एचपी सर और एक और हमारे अनिल सर हैं, इनसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला, मार्गदर्शन मिला। लवलेश सर बीच बीच में जब कहीं भी हमें असुविधा में। खबर संभल से है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायती राज विभाग में कई जिलों के ग्रामीण कर्मियों ने स्वच्छता मिशन को लेकर मुलाकात की। दरअसल विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। सरकार और अधिकारियों की ओर से 7 सालों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इन्हीं समस्याओं को लेकर डिप्टी डायरेक्टर पंचायती एसके सिंह से मुलाकात की गई और जिला कंसल्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर ने सामूहिक ज्ञापन भी सौंपा। संभल में खल व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर धावा बोलकर बदमाश 5 लाख रुपए लूट कर ले गए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये सनसनीखेज वारदात के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां घटना के बाद एसपी समेत अधिकारियों की आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अलबत्ता शहर के बीच तमंचे की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया। तो बैठे हुए बहिखाते कर रहे थे, सामने से आए करीब 5:45 बजे 3 जने और उन्होंने ग्राहक समझते हुए पूछा क्या हुआ। उन्होंने अपने हाथ से कट्टे निकाल लिए या रिवॉल्वर निकाल ली और लूट के लिए उन्होंने हमारी तरफ तान दी। तो मैंने उनसे कह दिया आपको जो ले जाना है वो ले जाओ, हम विरोध कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सब जो था पैसा वैसा यहाँ ले गए। लगभग कितना रुपया होगा? लगभग लगभग 5 के आसपास। थाना चंदौसी के अंतर्गत ये ब्रह्म बाजार के क्षेत्र में गोपाल बाजार क्षेत्र है। इसमें ये गली के अंदर इनकी एक दुकान है। इसमें आज शाम को ये जानकारी मिली कि 3 लड़कों के द्वारा यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने इनके साथ में इनके 2 मोबाइल और साथ में जो इनके ड्रॉर में कैश था, जो अभी व्यापारी जो है उनका बताया है कि करीब 4-5 लाख रुपए कैश है, उसको इनके द्वारा लूट के और ये लोग ले गए हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तक एक सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो संभल में खल व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर चोरों ने धावा बोला है और चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है, जहां 5 लाख रुपए लूटकर चोर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये सनसनीखेज वारदात के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बाद एसपी समेत आला अधिकारी ने जांच की
और अलबत्ता शहर के बीच तमंचे की नोक पर जब ये घटना हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। तमंचे की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। हेलमेट से पूरा फेस कवर है, शक्ल पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसी के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। 5 लाख की चोरी की बात सामने आ रही है, 5 लाख रुपए लूटकर चोर फरार हो गए और शहर के बीचों बीच इस घटना के होने की वजह से हड़कंप मच गया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं संभल से। मुबारक, जो ये खबर सामने आई है इसके बाद कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? संभल के चंदूरसी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ये गोपारी के उस पर तमंचे के नोक पर 5 लाख की लूट को अंजाम दिया है और मौके पर एसपी जगत साहब मौके पर चक्रेश मिश्रा पहुंचे हैं। मौके पर जाने वाले जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात की गई है और नवाबखोर को बताए जा रहे हैं। जी, कितने चोर थे जिन्होंने इस 5 लाख की चोरी को अंजाम दिया है? मुबारक, 3 लोग थे, तमंचे के नोक पर 5 लाख का अंजाम दिया इन्होंने। जी, तो पुलिस ने अब किस तरीके से जांच करने की बात कही है? जांच करने की बात कही है, उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, वो पहचान नहीं हो पा रही है। पहचान होने के बाद जो टीमें गठित की गई है ऐसी संभल ने बात कही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से। सोनभद्र में भारतीय मजदूर संघ ने मांगों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में यूनियन के अध्यक्ष राकेश राय और महामंत्री एसएन पाठक ने आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने मीटिंग में बीएमएस की किसी भी मांग को नहीं माना है और यूनियन के साथ समझौता करके इस ग्रेसिया का पैसा कर्मचारियों के खाते में डाल दिया है। वहीं मजदूर संघ ने आंदोलन का ज्ञापन प्रबंधन को सौंपा है और प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है। खबर औरैया से है जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बिधूना कोतवाली का औचक निरीक्षण करके थाना कार्यालय की साफ सफाई और अभिलेखों में सभी प्रकार के रजिस्ट्रों को चेक किया। साथ ही हवालात की भी साफ सफाई और महिला हेल्प डेस्क में शिकायतों के पंजीकरण और महिला पुलिस चौकी के कार्यों का निरीक्षण किया और थाना परिसर में तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि थाना परिसर में खड़े वाहनों के संबंध में भी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने दिशा निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन ने भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को जाना, जिसके साथ ही जिलाधिकारी ने कोरोना हेल्प डेस्क को फिर से चालू करने का आदेश दिया है। जिला अस्पताल हमीरपुर में आज सामान्य रूप से मैंने दौरा किया। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन चल रहा था उसका कार्य देखा, ओपीडी में जो रख रखाव है उसको देखा, खास करके जो कोविड का हमें सेंटर बनाना था, कोविड हेल्प डेस्क बनानी थी, वो सब यहाँ बना हुआ है। साफ़ सफाई भी ठीक है, थोड़ा और बेहतर करने की आवश्यकता है। सीएमएस साहब ने देखा इसको और उसमें निश्चित रूप से और बेहतर साफ़ सफाई होगी। लिफ्ट की एक समस्या है, लिफ्ट काफ़ी दिनों से बंद है। यहाँ पर 2 लिफ्ट हैं, एक मेल हॉस्पिटल में, एक फीमेल में, तो उसके संबंध में पत्राचार पहले किया गया है, फिर से पत्राचार किया जाएगा ताकि लिफ्ट चालू। खबर और रैया से जहाँ जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवक को देर रात अज्ञात वाहन ने युवक को रौंद दिया, जिसके बाद घायल युवक काफी देर तक हालत अस्वस्थ
अवस्था में पड़ा रहा, जिसको देखकर गश्त कर रही पुलिस ने देखा तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। तब मृत युवक की पहचान नहीं हो सकी थी, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की बेटी और एक बेटा है। पुलिस के मुताबिक युवक ने हेलमेट नहीं लगाया था, अगर हेलमेट लगाए होता तो शायद उसकी जान बच जाती। खबर अयोध्या से है, जहां पर राम की नगरी में श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण को देखने के लिए देश के प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लखा पहुंचे। उन्होंने श्री राम लला के दरबार में दर्शन पूजन किया। प्रभु राम लला के सुंदर भवन का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा वो सरयू नदी के तट पर भव्य आरती में शामिल भी हुए। आपको पहले अभी बता चुका में मैं फैजाबाद आया था, अपने राजस्थान मंडल वालों का कोई कार्यक्रम था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर पर अयोध्या जी, तो मैंने प्रोग्राम समाप्त किया और सुबह सुबह हम लोग वहाँ से चले, उन्होंने गाड़ी दी। जब यहाँ आए तो उस समय बहुत हालात उस समय के वैसे थे कि बड़ा दुख भी हुआ उस समय, और कभी ऐसे प्रार्थना भी किए और मेरे ख्याल से कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। आज 33 साल के बाद मुझे आके बहुत अच्छा लगा, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, और क्योंकि हमारा ये प्राचीन स्थल है और इसका जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए था। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास में शातिर ठगों ने फर्जी फर्म बनाकर कई ग्रामीणों से लाखों की ठगी फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर की है। 15 दिनों में लोन पास करवाने का दावा किया गया था, जिसके महीनों बीत जाने के बाद भी लोन पास नहीं होने पर ग्रामीण फ्रॉड कंपनी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों के आने की भनक लगते ही ठग लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। प्रार्थना पत्र देने आए हैं, एक हमारे आवास विकास में ठगी कर रहे थे लोन का झांसा देकर, कम से कम इन लोगों से 20 से 30 लगभग हर एक इंसान से 10-10 हज़ार रुपए ठगी लेकर चले गए, लगभग टोटल 8-9 लाख रुपए लेके गए। अच्छा, कौन थे, क्या नाम था? रोहित यादव नाम था उनका। किस बेस पे ठगी कर रहे थे, किस बेस पे पैसे लिए आप लोगों से? वो लोन देने का काम करते थे, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी और बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी, दो फोटो और 2150 रुपए देने की मांग थी उनकी। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार सवार ने गुमटी के बाहर बैठे चाय पी रहे युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक समेत कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, और ये मामला हदगाम थाना क्षेत्र के नाथोपुर गाँव का बताया जा रहा है। सिरंडवा ये रोड से गाड़ी लेके जा रहे थे और वो होटल पे बैठे चाय पी रहे थे, और इसने डायरेक्ट जाके घुसेर दिया और उनके ऊपर चढ़ते हुए बरामदे तक गाड़ी घुस गई। किसकी गाड़ी थी? अब वो गाड़ी है, वो अंदर बैठा हुआ है, अभी उसे हम जानते नहीं है कौन है, गाड़ी उसकी होटल पे खड़ी हुई है। कौन से गाँव का मसला है ये? नाथूपुर आर एम मशीन। खबर अयोध्या से है, जहां कोतवाली बीकापुर के शेरपुर पारा बालाजी ग्राउंड के पास क्राइम ब्रांच की टीम और बीकापुर कोतवाली पुलिस को बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों बदमाश गिरफ्तार हो गए, जबकि दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे, जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों से कई इलाकों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।